نمری اور سر ایک بار ایک لومڑی نے سارس کو اپنے گھر رات کے کھانے پر بلایا اور اس کے سامنے میز پر ایک سمتل تھالی میں رس پروس دیا۔ سارس کی چونچ لمبی ہونے کے کارن اسے اس تھالی میں سے کھانے کو کچھ بھی نہ ملا، جبکہ لومڑی اپنی جیب سے سارا رس چاٹ گئی۔ اس طرح لومڑی نے سارس کا مذاق اڑایا۔ سارس نے بھی بدلہ لینے کے لیے لومڑی کو اپنے گھر رات کے بھوجن پر بلایا۔ उसने खाने को एक लंबी गर्दन वाली सुराही में परोसा। जिसमें से वह तो अपनी लंबी चोंच से आसानी से खा सकता था, लेकिन लोमड़ी को कुछ भी खाने को नहीं मिला। इसे कहते हैं अदले का बदला। चींटी और कबूतर। एक बार दो मित्र थे, एक चींटी और एक कबूतर। एक दिन चींटी अपनी प्यास बुझाने के लिए एक नदी के किनारे गई। अचानक एक तीव्र गति से लहर उसके पास आई और उसे नदी में ले गई। चींटी बिल्कुल डूबने ही वाली थी। कबूतर, जो कि एक पेड़ पर बैठा था, ये सब देख रहा था। उसने चींटी को बचाने का फैसला किया। कबूतर ने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और उसे नदी में चींटी के करीब फेंक दिया। चींटी उस पर चढ़ गई और तैरती हुई सुरक्षा से किनारे पर पहुंच गई। चींटी ने कबूतर का अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया। कुछ ही दिनों बाद एक शिकारी आया और पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और उसने अपनी गुलेल से कबूतर की तरफ अपना निशाना लगाया, जो कि शाखाओं में बैठा था। चींटी ने उसके निशाने का अनुमान लगाकर उसके पैर पर काट दिया। दर्द में शिकारी ने अपनी गुलेल नीचे फेंक दी और उस शोर से कबूतर उड़ गया। इस तरह दोनों मित्रों ने एक दूसरे की जान बचाने में सहायता की। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि भलाई के बदले भलाई मिलती है। बिल्ली और चूहियां। एक गांव में एक घर में बहुत सी चूहियां थी। चूहियां खाद्य पदार्थों के साथ साथ और भी बहुत सी चीजों को खराब कर देती थी।
उस घर का मालिक शहर से एक पालतू बिल्ली ले आया। बिल्ली चूहियों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ने लगी और एक एक करके खाने लगी। चूहियों को बिल्ली के बारे में पता चला और अपनी जान बचाने के लिए चूहियों ने अपने आप को अपने बिलों में छुपाए रखा। बिल्ली को बहुत समय से कोई चूहिया नहीं मिली और उसने किसी उपाय से उन्हें बिलों से बाहर लाने की सोची। इसलिए उसने एक छत से छलांग लगाई और स्वयं को मरा हुआ दिखाने की कोशिश की। एक चूहिया सावधानी से बाहर आई। मैं बिल्ली को देखकर बोली, अरे मेरी अच्छी मैडम, अगर अब तुम एक भोजन के थैले में भी बदल जाओ तो भी हम तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि वह जिसके साथ एक बार धोखा होता है वह दुगना सावधान हो जाता है।